जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक बेहतरीन कहानी। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिए। एक बार बादलों की मीटिंग चल रही थी, जिसमें बादलों ने ये निर्णय लिया कि इतने वर्षों में जीवन में मैंने कभी ब्रेक नहीं लिया, इसलिए बादलों ने डिसाइड किया क्यों ना एक ब्रेक लिया जाए, वो भी छोटा मोटा नहीं बल्कि 10 साल का ब्रेक। बादलों ने तय कर लिया कि हम 10 साल तक ब्रेक पर हैं और 10 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। बादलों से होते होते ये बात धरती पर आ गई। ये बात किसानों को भी पता चल गई कि बादल 10 साल तक कोई बारिश नहीं करेंगे। तो किसानों में भी एक मीटिंग हुई और उन्होंने भी बोला कि अगर बारिश ही नहीं होगी तो हम कैसे खेती कर पाएंगे, इसलिए हमें भी 10 साल तक खेती पर काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी फसल आ ही नहीं सकती क्योंकि बिना बारिश के। किसानों के बीच ये तय हो गया, किसानों ने सारा काम बंद कर दिए, सारे हल और खेती का सारा सामान पैक कर दिया, एक कोने में रख दिया और ये मान चुके थे कि हमें 10 साल तक कोई खेती नहीं करनी है और हमें खेती बाड़ी को भूल जाना है। इन्हीं में से एक किसान श्याम बिहारी नाम का था। एक दिन अचानक से देखा गया कि वो अचानक हल लेके जा रहा है खेत में। कुछ लोगों को ये बात खटकी तो ये बात किसानों के मुखिया को बताया कि श्याम बिहारी तो हल लेके खेत में जा रहा है। देखा तो वहाँ पर वो खेत में जुताई कर रहा था और निकाई भी कर रहा था, गुड़ाई भी कर रहा था, वो सारे काम कर रहा था जो खेत में किए जाते हैं सिवाय बीज बोने के। जब उसके पास आकर बाकी किसान पूछने लगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों अपनी मेहनत बेकार कर रहे हो, बारिश तो होने वाली नहीं, श्याम बिहारी ने मुस्कुराया और उसने कुछ खास जवाब दिया। होते होते ये बात बादलों तक पहुंच गई। एक बार कुछ बादल जब नीचे से गुजर रहे थे तो वो भी रुक गए और उन्होंने श्याम बिहारी को सारा काम करते हुए देखा तो पूछा कि हम तो 10 साल तक नहीं बरसने वाले, फिर तुम क्यों इतनी मेहनत बर्बाद कर रहे हो, क्यों पसीना बहा रहे हो खेतों में। तब श्याम बिहारी ने कहा, मुझे पता है कि 10 साल तक नहीं बरसने वाले हो तुम, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि कहीं 10 साल के बाद हम हल चलाना ना भूल जाएं, इसलिए मैं आता हूँ और अपना प्रयास जारी रखता हूँ, जिससे 10 साल के बाद जब तुम लोग बरसो तब मैं खेत में काम करने के काबिल रहूँगा। ये बात थोड़ी सी जमी। जब बादल ऊपर गए और अपनी टीम इकट्ठा करके श्याम बिहारी की बात बताने लगे तब बादलों को भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि 10 साल में बरसना भूल जाएं, और अचानक से बादलों में बीच में तय हुआ कि नहीं नहीं, हमें ऐसा कोई ब्रेक नहीं लेना चाहिए, और बादल तुरंत बरस पड़े। सारे किसान हैरत में, क्योंकि उनके खेत में कोई तैयारी नहीं थी। श्याम बिहारी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था और जैसे ही बादल बरसे उसकी फसल लहलहा रही थी। अभी हम ही एक ऐसे पीरियड में हैं, एक ब्रेक चल रहा है, ब्रेक के बाद ये मत सोचो कि कुछ होने वाला नहीं, ब्रेक के बाद आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं या आप उम्मीद करते हैं कुछ अच्छा हो तो उसकी तैयारी तो रखिए कि अभी भी चमत्कार हो सकता है। एक दिन अचानक लॉकडाउन हो गया जिसके बारे में आपने हमने नहीं सोचा था, वैसे अचानक से कोई रास्ता निकल आए जिससे आपका बिजनेस लॉकडाउन के बीच चल पड़े या लॉकडाउन के बाद उसमें एकदम से निखार आ जाए। कोई भी आप काम करते हैं या करना चाहते हैं, नौकरी हो या व्यापार हो, इससे जो स्किल की ज़रूरत होती है वो निखारते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, जिससे जब अच्छे दिन आएंगे तब आप बहुत खुश नज़र आएंगे। तो दोस्तों ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।